ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग पर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना ये अति अति महत्वपूर्ण है। हमारा ये समय बहुत ही कीमती है। अगर छोटी बातों में संकल्प बहुत चल जाते हैं और हम अपने संकल्पों के वश हो जाते हैं या छोटी बातों में इरिटेट होते हैं तो हमारा बहुत सारा समय और शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कोशिश रखनी है, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, ये बातें जाने वाली ही हैं। इन जाने वाली बातों के कारण हम अपनी महान स्थिति को, अपने महान संकल्पों को खो न दें। विशेष बात होती है जब कोई बात सामने आती है, जब कोई समस्या आ जाती है, जब कोई अपना मनुष्य अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हमारे महान विचार, हमारा श्रेष्ठ स्वमान कुछ समय के लिए गुम हो जाता है। लेकिन हमें ये सावधानी रखनी है, कुछ भी हो, किसी का कैसा भी व्यवहार हो, हम अपने श्रेष्ठ स्वमान को स्मृति में रख सकें अगर हम इतना कायम करते हैं। अगर हम इस बात में सफल होते हैं तो हमारी स्थिति कभी भी बिगड़ेगी नहीं। हमारे पास ड्रामा का बहुत सुंदर ज्ञान है। ऐसा ज्ञान आज से पहले किसी के पास भी नहीं था जो हमारे पास है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है। तो ड्रामा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में हम यूज करके साक्षी भाव धारण करेंगे। बार बार हमें ये चिंतन करना है कि ये संसार का खेल सुंदर खेल है। आपका किसी के साथ अच्छा पाठ न चल रहा हो, जान लें ये भी कर्मों का हिसाब किताब है, पर ये संसार का विशाल नाटक तो अति सुंदर है। जैसे बाबा इसे साक्षी होकर देखते हैं, वैसे ही मुझे भी इसे साक्षी होकर ही देखना है। बाबा के वो महावाक्य याद कर लें, बच्चे यदि तुम बाप समान बनना चाहते हो तो जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे तुम भी साक्षी होकर देखो, और जैसे मैं सबको सकास देता हूँ वैसे तुम भी सबको सकास दो। तो जो लोग हमसे गलत व्यवहार करते हैं, जो पड़ोसी भी शत्रुभाव रखते हों, जो आपको आगे न बढ़ने देना चाहते हों, उन्हें भी आप अच्छे वाइब्रेशंस दें, उन्हें भी इस दृष्टि से देखें कि वो भी भगवान के बच्चे हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ उनमें हैं, वो भी महान आत्माएं हैं। तो हमारा दृष्टिकोण बदलते ही उनके विचार भी बदल जाएंगे। तो आज हम सारा दिन बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे कि किसी बात में न हमारी खुशी जाए, न हमारी शांति जाए, न हमारे संकल्पों में उलझन हो, न हमारी स्थिति बिगड़े। हम अपने उस स्वरूप को याद करेंगे, विष्णु स्वरूप। विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए हैं, सांपों की सैया है, चारों ओर सागर में लहरें हैं, पर विष्णु जी अचल अडोल हैं। विकारों को अपनी सैया बना लिया है, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चरणों में आ गई है और गीता ज्ञान में मग्न है। ये हमारा ही तो स्वरूप है। आज हम इस स्वरूप को स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाकर रखेंगे और सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे अपने देव स्वरूप की स्मृति और अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति। दोनों स्मृतियां हमें महान बनाने वाली हैं, हमें परम पवित्र बनाने वाली हैं। हमारा परम पूज्य स्वरूप भी बहुत पवित्र है, चाहे वो इष्ट देव देवियां है, चाहे विघ्न विनाशक गणेश है,
चाहे शेष सैया पर विराजमान महाविष्णु हैं, ये हमारे ही स्वरूप हैं। इन्हें हम जितना ज्यादा अपनी स्मृति में लाएंगे, वैसे वैसे स्वरूप ही हमारे जीवन में धारण होते जाएंगे। तो आज सारा दिन अपने आत्मिक स्वरूप को याद करते हुए इन दोनों स्थितियों का लगातार अभ्यास करेंगे। हर घंटे में कम से कम एक बार अपने इन दोनों स्वरूपों को अवश्य याद करें। ओम शांति। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।